बसमिल रिम अलैक्म डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ a collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as is tarike se hum formation karenge real numbers ki and then enclosed by brackets or phir isko square brackets mein enclosed kar is said to form a matrix example यही जो मैंने रियल नंबर्स यहाँ पे लिखे थे इसी को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके लिखा गया है वन थ्री फोर सेवन टू ज़ीरो और फिर इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया गया और मैट्रिक्स का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा तो इसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है अब इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली रोज़ होंगी और वर्टिकली कॉलम्स होंगे तो इस स्पेसिफ़िक एग्जांपल में वन थ्री फोर दिस इज़ रो वन सेवन टू ज़ीरो रो टू होगी हॉरिजॉन्टल रोज़ आ गई और वर्टिकली कॉलम्स होंगे तो ये सी वन थ्री टू सी टू होगा और फोर ज़ीरो सी थ्री होगा तो ये स्टूडेंट्स तरीका है किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स चेक करने का अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे जी स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ Rows and number of columns in a matrix specifies. Its order. If matrix M has M rows and N columns. न ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज एम बाय एन तो स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करके पहले हम रोज लिखेंगे फिर कॉलम्स लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल किसी एक मैट्रिक्स में दो रोज और तीन कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर लिखा जाएगा टू बाय थ्री अब इसी एग्जाम्पल को बोर्ड पे लिखते हैं मैट्रिक्स एम है हमारे पास वन फोर सेवन टू फाइव जीरो अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज टू हैं हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं तो दो रोज हैं नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री हैं फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तो ऑर्डर ऑफ एम इज इक्वल टू रोज बाय कॉलम्स तो टू रोज थी थ्री कॉलम्स थे तो ऑर्डर ऑफ एम टू बाय थ्री आ गया तो ये मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का अब स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन समझते हैं If A and B are two matrices, then A is Set to be equal to B and denoted by A is equal to B. एफ एंड ओनली एफ फर्स्ट कंडीशन है इसमें द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है देयर कॉरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है हमारे पास वन टू थ्री फोर और बी मैट्रिक्स है वन थ्री माइनस वन टू प्लस वन फोर अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं क्यों? कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर टू बाय टू होगा क्योंकि इसमें टू रोज और टू कॉलम्स हैं सेम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर टू रोज एंड टू कॉलम्स तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है बोथ हैव सेम ऑर्डर, अब एंट्रीज देखें, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री ए मैट्रिक्स में है वो वन है बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री वन है तो दिस इज कॉल्ड कॉरिस्पोंडिंग एंट्रीज इसको हम ए वन वन से भी डिनोट कर सकते हैं ए वन वन मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री सेम इसी तरह हम जो सेकेंड एंट्री है फर्स्ट रो में ए वन टू कहेंगे इसको ए वन टू मीनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री और बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री भी टू है थ्री माइनस वन को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट टू आएगा फिर ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री थ्री है बी मैट्रिक्स में भी ए टू वन थ्री के इक्वल है ए मैट्रिक्स में ए टू टू फोर है और बी मैट्रिक्स में भी ए टू टू की वैल्यू फोर है जब दो मैट्रिसेज में ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरिस्पोंडिंग एंट्री सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं अदरवाइज द मैट्रिस आर नॉट इक्वल जी स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिस ए मैट्रिक्स गिवन है हमें टू थ्री माइनस फाइव सिक्स अब जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे इस मैट्रिक्स की दो रोज हैं नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स के कॉलम भी दो हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू बाय टू सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज वन है यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकली कॉलम्स हैं तो टू कॉलम्स होंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू वन बाय टू अब यहां पे हमें ई मैट्रिक्स गिवन है ई e मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू थ्री फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो number of columns 2 first column second column the order of matrix e is equal to 3 by 2 अब जी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तो रोज की तादाद तीन है नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे तीन हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू थ्री बाय थ्री तो स्टूडेंट्स तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का मेथड समझ आ गया होगा इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन ये एक इक्वेशन गिवन है अब बोथ साइड्स में दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन है जब दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वलिटी का साइन है तो इट मींस के दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल Therefore, their corresponding entries are also equal. अभी हमने स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रस की डेफ़िनेशन में पढ़ा कि दो मैट्रस इक्वल तब होंगे नंबर वन कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम हो अब जो इक्वेशन हमें मैट्रिक्स की गिवन है इस पे गौर करें साइड पे जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर टू रोज टू कॉलम्स तो ऑर्डर टू टू होगा राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसमें भी टू रोज और टू कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर भी टू बाय टू होगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिस सेम है अब इक्वल मैट्रसिस की सेकेंड कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रस की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैट्रिक्स इक्वेशन है तो लिहाजा हम इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रखेंगे और ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस सी है ये इक्वल होगी जीरो के दिस इज इक्वेशन वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है ए प्लस टू बी और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है माइनस सेवन तो इसको माइनस सेवन के इक्वल रखेंगे ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन टू फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लेफ्ट साइड पे सी माइनस वन है और राइट right साइड पे ये एंट्री थ्री है तो सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री फोर डी माइनस सिक्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री और राइट right साइड पे ये एंट्री टू डी है तो फोर डी माइनस सिक्स को टू डी के इक्वल रखेंगे ये हमारे पास इक्वेशन फोर आ गई वन और टू में दो वैल्यूज हैं जो अन नोन हैं तो अभी हम ए और सी की वैल्यूज या ए और बी की वैल्यूज यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते लेकिन इक्वेशन थ्री में सिर्फ एक अननोन वैल्यू है जो कि सी है तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री सी इज इक्वल टू माइनस वन राइट साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा तो सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास फोर अब इक्वेशन फोर में सिर्फ एक अननोन वैल्यू है जो कि डी है तो इक्वेशन फोर में से हम डी की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर टू डी लेफ्ट साइड पे आके माइनस टू डी हो जाएगा फोर डी माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस सिक्स राइट साइड पे जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा अब फोर डी में से टू डी माइनस करें तो रिजल्ट टू डी आ जाएगा इज इक्वल टू सिक्स टू राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा डी इज इक्वल टू सिक्स ओवर टू अब सिक्स को टू पे डिवाइड करें तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्री ये कटिंग हो जाएगी टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री अब स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करना बाकी हैं अब सी की वैल्यू फोर को इक्वेशन वन में पुट कर दें तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी तो पुट सी इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन हमारे पास है ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सी की जगह फोर पुट कर देंगे ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो तो प्लस फोर राइट साइड पे जाके माइनस फोर हो जाएगा तो जीरो माइनस फोर का रिजल्ट माइनस फोर आ जाएगा तो so, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस फोर अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू माइनस फोर इक्वेशन टू में पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी तो पुट ए इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू हमारे पास है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन ए की जगह माइनस फोर आ गया प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस फोर राइट साइड पे जाके प्लस फोर हो जाएगा टू बी इज इक्वल टू सेवन माइनस का प्लस फोर तो यहाँ से टू बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन प्लस फोर को सिम्प्लीफाई करें तो माइनस थ्री आ जाएगा रिजल्ट अब टू राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू तो ये लास्ट वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि जब भी दो इक्वल मैट्रज़ गिवन हो तो कांस्टेंट वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 पॉइंट की जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क ख़ुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख़्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़